Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current MCQ session of 24 January, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था, Who forms working group to examine lending transaction via online portal app? किसने फॉर्म किया वर्किंग ग्रुप को ताकि वो एग्जामिन कर सके लैंडिंग ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन पोर्टल और ऐप की मदद से. आपके ऑप्शन है ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया है 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप ताकि वो स्टडी कर सके सारे एस्पेक्ट को डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी का, जिसमें जो लैंडिंग होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के द्वारा उसको भी इंक्लूड किया गया है ताकि रेगुलेट किया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर को, और साथ साथ जो अनरेगुलेटेड प्लेयर है उनको एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच के द्वारा. ये जो ग्रुप है इसको चेयर किया गया है जयंत कुमार दास के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI के, और वो सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट विद इन 3 मंथ. अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. इसको फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 में. सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का इंडिया पे. इसको ऑन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इस्टेब्लिश किया गया है 12 अप्रैल 1988 में और स्टेटूटरी पावर दिया गया है 30 जनवरी 1992 पे थ्रू सेबी एक्ट 1992 के द्वारा. सेबी को फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 पे, हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए इकोनॉमिक लॉ को और फाइट करने के लिए इकोनॉमिक क्राइम्स है इंडिया पे. ये एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत. इसको फाउंड किया गया था 1 मई 1956 में और इसके एजेंसी का एग्जीक्यूटिव संजय कुमार मिश्रा है. SBI के चेयरमैन आपके दिनेश कुमार खड़ा है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है. Now let's begin our current MCQ session of 24 January. हमारा first question है, according to Henle Passport Index quarter 1 2021 global ranking, which country topped the ranking? जो Henle Passport Index का quarter 1 का 2021 का global ranking है उसके अनुसार कौन सा country top position पर है ranking के अनुसार. आपके option है जापान, option बी सिंगापुर, option सी इंडिया, option डी none of these. इसका correct answer है option ए जापान. जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर वन का 2021 का ग्लोबल रैंकिंग है, इसके रैंकिंग में जो टॉप किया गया जापान के द्वारा, इसमें इसका जो स्कोर है 191 है. ये जो पोजीशन है जापान 3 साल से बरकरार रखा है. इसके बाद सिंगापुर है, इंडिया का पोजीशन 85th है और इंडिया का स्कोर 58 है. अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जापान का पीएम योशिहिदे सुगा है, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन. सिंगापुर का पीएम ली हिलिन हुंग है, करेंसी डॉलर. इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज MSME AU पैकेज बेनिफिटिंग MSME सेक्टर. किसने इंट्रोड्यूस किया है फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज MSME AU पैकेज को जो कि बेनिफिट करेगा MSME सेक्टर को. आपके ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी इरदा, ऑप्शन सी CBIC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी CBIC. आसान करने के लिए जो डिफिकल्टीज हुआ है COVID-19 पैंडेमिक के कारण माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज MSME AU पैकेज स्कीम को. ये जो स्कीम है ये वॉलेंट्री कंप्लायंस प्रोग्राम है जो कि इनेबल करेगा MSME को कि वो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेशन प्रोवाइड करे वेरियस बेनिफिट को जो कि इंक्लूड करेगा फास्टर कस्टम क्लियरेंस को. जो क्रिटेरिया है अवेल कराने के लिए AEO स्टेटस के लिए, तो MSME को फाइल करना होगा मिनिमम 10 कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट फ्रॉम अर्लियर 25 कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट से 1 ईयर के अंतर्गत. ये जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होगा फॉर एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो कि प्रीसीड करेगा डेट ऑफ एप्लीकेशन से. और जो AEO स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 15 डेज के अंतर्गत फ्रॉम ऑनलाइन सबमिशन के द्वारा MSME जब सबमिट करेंगे. बेनिफिट क्या होगा इससे, तो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी होगा इंपोर्टेड कंटेनर का, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री होगा एक्सपोर्ट कंटेनर का और रिड्यूस हो जाएगा कार्गो रिलीज टाइम. एग्जेम्पशन मिलेगा बैंक गारंटी का. CBIC के चेयरपर्सन एम अजीत कुमार है. फॉर्म किया गया था इसको 26 जनवरी 1944 को. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है और इसका जो डिवीजन है GST, कस्टम, कस्टम प्रिवेंटिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी और टैक्स पेयर सर्विस है. सेबी सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि रेगुलेटर है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का इंडिया पे. इसको ऑन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 में और फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 पे. हेडक्वार्टर इसका मुंबई पे है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है. इरदा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनॉमस स्टेटूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना और प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे.
इसको फाउंड किया गया था 1999 पे, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद है और इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र पुंतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु साइन डेफिनेटिव एग्रीमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक ओवर प्लान ऑफ 120 मेगावाट रंगीत 4HE प्रोजेक्ट ऑफ JPCL इन सिक्किम। किसने साइन किया है डेफिनेटिव एग्रीमेंट को ताकि इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके जो टेक ओवर प्लान है 120 मेगावाट रंगीत 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का JPCL में इन सिक्किम में। आपके ऑप्शन है इरिडा, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी NHPC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NHPC। NHPC लिमिटेड, जिसको कि हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साइन किया है डिफिनेटिव एग्रीमेंट ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान, जिसके अंतर्गत जो 120 मेगावाट रंजीत 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है रंगीत रिवर के ऊपर पे सिक्किम पे, ये जो एग्रीमेंट है NHPC टेक ओवर कर लेगा प्रोजेक्ट को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। जो आउटले है प्रोजेक्ट का वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 943.20 करोड़ इंडियन रुपीस है। NHPC जो है वो एक एडवांस पेमेंट करेगा ₹165 करोड़ का एक्वायर करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान को जल पावर कॉर्पोरेशन लोकेटेड से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो जो एडिशनल इन्फो इसका है, तो JPCL सेकेंड कंपनी है आफ्टर लैंको टेस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड के बाद जिसने एक्वायर किया गया है NCLT प्रोसेस के द्वारा NHPC के अंतर्गत। NHPC लिमिटेड ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अभय कुमार सिंह है। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद हरियाणा पर है। इरिडा जो है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसको फाउंड किया गया था 11 मार्च 1987 पे और इरिडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। NTPC लिमिटेड को हम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका काम है बिजनेस जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाइड एक्टिविटी के सेक्टर पे। ये एक कंपनी है जिसको कि इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत और प्रमोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु डेडिकेटेड एन इनोवेटिव पोर्टल डेवलप्ड बाय NIF इंडिया टू द नेशन। किसने डेडिकेट किया एक इनोवेशन पोर्टल जिसको कि डेवलप किया गया NIF इंडिया के द्वारा नेशन को। आपके ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रकाश जावेदकर, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने डेडिकेट किया है नेशनल इनोवेशन पोर्टल को नेशन के लिए जो दिल्ली में जो इवेंट हुआ था उसमें। ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम इस पोर्टल के बारे में जान ले, तो ये जो इनोवेशन पोर्टल है वो इजिली एक्सेस किया जा सकेगा सिटीजन के द्वारा ताकि वो जान सके टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि अवेलेबल है इस डाटाबेस में। NIF जो है वो प्रोवाइड करेंगे मोर इन्फॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट के साथ पीपल के। ये जो पोर्टल है वो ऑनबोर्डेड होगा अप्रोप्रिएट टाइम के साथ, जो कि इनोवेशन इकोसिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में बताएगा। अब हम कुछ बेनिफिट जान ले इसका, तो ये जो इनोवेशन पोर्टल है वो सपोर्ट करेगा इंस्टीट्यूशन को न्यू आइडियाज के साथ कॉमन पीपल का, ताकि वो सॉल्व कर सके जो लोकल प्रॉब्लम है। पोर्टल जो है वो क्रिएट करेगा एक इकोसिस्टम को इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि सपोर्ट करेगा आइडियाज को और इनोवेशन को एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड पे। NIF जो है वो इंश्योर करेगा ओरिजिनल इनोवेटर को कि वो पार्ट हो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन का इनोवेशन के लिए लार्ज स्केल पे, और ये जो पोर्टल है वो सपोर्ट करेगा क्रिएट करने में लोकल एंटरप्रेन्योर्स को ग्रासरूट आइडिया के साथ और मदद करेगा उनके मार्केट में आइडियाज के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इसके चेयरपर्सन डॉक्टर PS गोयल है, हेडक्वार्टर गुजरात में है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 2000 में। रविशंकर प्रसाद जो आपका ऑप्शन है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। प्रकाश जावेदकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TEPC। किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन के तौर पे TEPC के टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आपके ऑप्शन है श्यामल घोष, ऑप्शन बी संदीप अग्रवाल, ऑप्शन सी अनिल सोनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर भी है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड के, उनको इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन के तौर पे टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC के। वो जो है टेक ओवर कर लेंगे श्यामल घोष से जो कि फॉर्मल टेलीकॉम सेक्रेटरी है। संदीप अग्रवाल जो है वो चीफ मेंटर भी है टेलीकॉम कमिटी के और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो TEPC को एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि ये प्रमोट करे और डेवलप करे एक्सपोर्ट को टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज का।
टीईपीसी को सपोर्ट किया गया कंप्लीट टेलीकॉम इकोसिस्टम के द्वारा, जिसमें कि टेलीकॉम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी इंक्लूड है। इसके चेयरमैन संदीप अग्रवाल है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। अनिल सोनी जो आपका ऑप्शन था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है न्यूली लॉन्च WHO फाउंडेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू UN डेसा रिपोर्ट विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी। जो UN डेसा रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सा कंट्री का वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है रशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 का रिपोर्ट है उसके अनुसार, जिसको कि रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर UN डेसा के द्वारा, 2020 पे 18 मिलियन पीपल जो है इंडिया के वो आउटसाइड कंट्री के रह रहे हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी बन जाता है। इंडिया के बाद मैक्सिको और रशिया है, देन चाइना और उसके बाद सीरियन अरब रिपब्लिक है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर UN डेसा, इसके जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है ल्यू चेनमिन है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA पे है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु साइन 12.7 मिलियन US डॉलर कॉन्ट्रैक्ट विथ गुयाना टू बिल्ड ओशियन गोइंग वेसल। किसने साइन किया 12.7 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट गुयाना के साथ ताकि वो बिल्ड करे ओशियन गोइंग वेसल को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रिल, ऑप्शन बी GRSE, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी GRSE। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर GRSE लिमिटेड कोलकाता, इसने साइन किया 12.7 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हार्बर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्थ गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के साथ ताकि वो कंस्ट्रक्ट करे ओशियन गोइंग वेसल को। ये जो मूव है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट इनिशिएटिव को GRSE का। ये जो ओशियन गोइंग वेसल है इसका वेट 1700 टन होगा और ये यूज किया जाएगा कोस्टल और रिवराइन एरियाज के लिए गुयाना का। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, इसके चेयरमैन और MD विपिन कुमार सक्सेना है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल पे है। गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली है, कैपिटल जॉर्ज टाउन, करेंसी गुयानीज डॉलर। रिल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके CEO मुकेश अंबानी है, फाउंडर धीरू भाई अंबानी। फाउंड किया गया था 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन स्टेट ओन स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि बेस्ड है आपका न्यू दिल्ली पे। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको कि ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके CEO सोमा मंडल है, फाउंड किया गया था इसको 19 जनवरी 1954 पे और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु रिलीज ई बुक कोलैब कैड 3D मॉडलिंग 1.0, किसने रिलीज किया ई बुक कोलैब कैड 3D मॉडलिंग 1.0 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है NIC, ऑप्शन बी CBSE एंड AIM, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी ऑल डी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल डी अबव। जो कम्प्रेहेंसिव ई बुक था आपका कोलैब कैड 3D मॉडलिंग 1.0, इसको लॉन्च किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। वर्चुअल इवेंट में इस बुक को लॉन्च किया गया है, ई बुक को। ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करेंगे कोलैब कैड सॉफ्टवेयर CBSE अफिलेटेड स्कूल में। इस इवेंट में शो किया गया है जो साइनिंग था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो NIC और CBSE के बीच में हुआ है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग में मदद करेगा स्टूडेंट और फैकल्टी का इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम के लिए क्लास 10th और 12th के अक्रॉस CBSE अफिलेटेड स्कूल में फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नीता वर्मा है, पेरेंट मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1962 पे और CBSE के चेयरमैन मनोज आहूजा है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था ताकि ये अचीव करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, CEO अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु साइन 20 मिलियन US डॉलर कॉन्ट्रैक्ट विद IGF फोर्स टू प्रोक्योर स्विच UAV, किसने साइन किया 20 मिलियन US डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट IDF फोर्स के साथ ताकि वो प्रोक्योर कर सके स्विच UAV को? आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी इंडियन नेवी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने साइन किया है 20 मिलियन US डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट आइडिया फोर्स के साथ ताकि वो प्रोक्योर करे अनमेंशन नंबर ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेरियंट जो है इंडिजेनस स्विच अनमैन एरियर व्हीकल का फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। स्विस जो है वो एक फिक्स विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि कैपेबल है डिप्लॉय करने के लिए हाई एल्टीट्यूड और हार्श एनवायरमेंट में। ये सर्व करेगा जो पर्पस है सर्विलेंस का रिकन्सनेंस मिशन का इंडियन आर्मी के लिए उसके बॉर्डर पे। ये मैन पोर्टेबल और इसका हाईएस्ट टाइम जो है टारगेट का कंपेयर किया गया अदर यूएवी से तो काफी बढ़िया है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो आईडिया फोर्स के सीईओ जो है अंकित मेहता है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड डॉपलर वेदर रडार एट विच प्लेस। अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया है डॉपलर वेदर रडार को किस प्लेस में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुक्तेश्वर उत्तराखंड, ऑप्शन बी कुफरी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बोट ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइडर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ए एंड बी। जो ओकेशन था 146 फाउंडेशन डे का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उस ओकेशन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया डॉपलर वेदर रडार को मुक्तेश्वर उत्तराखंड और कुफरी हिमाचल प्रदेश के लिए। जो डॉपलर वेदर रडार है उत्तराखंड का ये पहला इस काइंड का होगा जो ये मार्क किया गया था। इस ओकेशन में मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया था रिलीज किया था मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डाटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम को आईएमडी के लिए इन कोलेबोरेशन विद इसरो के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। डायरेक्टर जनरल इसके मृत्युंजय मोहपात्रा है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडा दरू दत्तात्रेय। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का हु इनॉग्रेटेड सीएसआईआर एनआईएससीपीआर बाय मर्जिंग सीएसआईआर एनआईएससीएआईआर एंड सीएसआईआर एनआईएसटीएडीएस इन न्यू दिल्ली। किसने इनॉग्रेट किया है सीएसआईआर एनआईएससीपीआर को मर्ज करके सीएसआईआर एनआईएससीएआईआर को सीएसआईआर एनआईएसटीएडीएस के साथ न्यू दिल्ली में। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।